Very good morning, student. Welcome back, class one. Class one, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में जो अंक की मात्रा उसको मैंने आप लोगों को पढ़ना सिखाया था. आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ चंद्रबिंदु की मात्रा को पढ़ना. ओके, तो आज हम सीखते हैं आप सीखे नई मात्रा में चंद्रबिंदु की मात्रा का. जो ये शब्द है वो मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ कि चंद्रबिंदु को हम पढ़ते कैसे हैं. तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बुक में भी आप लोगों को दिखा दूँ, जैसा कि मैं दिखाते रहती हूँ आप लोगों को बुक में भी. ये देखिए, ऊपर में लिखा भी है चंद्रबिंदु. तो चंद्रबिंदु को लगाते कैसे हैं, एक ऐसे हाफ सर्कल थोड़ा बनाते हैं और उसके ऊपर ऐसे डॉट लगा देते हैं, वही रहता है ये चंद्रबिंदु. ओके, अब इधर देखिए, आओ पढ़ें. यहाँ पे जो छोटा सा पोयम है वो मैं आप लोग को बता दूंगी. और यहाँ पे देखिए ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पे ये रात का सीन है और यहाँ पे ये चाँद निकला हुआ है. ये खरगोश आप लोग देख सकते हैं और ये सांप है और ये खरगोश की मांद है, जिसमें खरगोश रहता है उसको मांद बोलते हैं. और ये पेड़ वेड़ तो आप लोग को दिख रहा है और यहाँ बच्चे, लाइट वाइट जल रहा होगा तो वहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे हैं बलून के साथ, ये आप लोग को दिख रहा है. और ये बॉल भी है. ठीक है, तो मैं आप लोग को अब बोर्ड से बता देती हूँ. आओ पढ़िए. पहले मैं आप लोग को पढ़ना बताती हूँ कि चंद्रबिंदु को पढ़ते कैसे हैं. और मैंने अंक भी आप लोग को लिखना भी बताया था कि कैसे लगाते हैं. जैसे कि ये डंडी रहता है उसी के ऊपर ये अंक भी लगाते थे, वैसे ही चंद्रबिंदु को भी उस डंडी के ही ऊपर ऐसे लगाना रहता है. ओके, ना इधर ना उधर, जैसा कि मैंने भी लगाया है आप लोग देख सकते हैं. तो मैं आप लोग को पढ़ के बता देती हूँ. ब में आ की मात्रा, बा ऊपर चंद्रबिंदु, बा. और जब चंद्रबिंदु को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा नाक से खींचने टाइप से आवाज आता है. बा स सम छोटो की मात्रा, सु र में बड़ी की मात्रा, री बांसुरी. यहां देख सकते हैं आप लोग, समय आ की मात्रा, सा ऊपर चंद्रबिंदु, सांप, सांप. प में आ की मात्रा, पा ऊपर चंद्रबिंदु, पांच, पांच. क में छोटा की मात्रा, कु. अ में आ की मात्रा, आ ऊपर चंद्रबिंदु, आ, कुआं. बड़ी की मात्रा, ली उंगली. उंगली जो आप लोग फिंगर है, इधर आप लोग देख सकते हैं ये है ऊपर चंद्रबिंदु, तो ये बन गया ऊट, ऊट. द दमे आ की मात्रा, दां, ये चंद्रबिंदु, दांत, दांत. चंद्रबिंदु, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे टांग, ग, टांग. अ, हमें आंख मात्रा, फिर ऊपर चंद्रबिंदु, आंख, आंख. आप लोग देख सकते हैं कि मैं चंद्रबिंदु जब लगाने के बाद उसको पढ़ रही हूँ तो थोड़ा सा खींचा टाइप से आवाज आ रहा है, वैसे ही साउंड करता है चंद्रबिंदु लगा हुआ वर्ड को पढ़ने से. च, च में आ की मात्रा, जा ऊपर चंद्रबिंदु, जा द, चांद. अ, अ के ऊपर चंद्रबिंदु, अं. ग में बड़ा की मात्रा, गु. ठ में बड़ी की मात्रा, ठी, अंगूठी. स समय बड़ा की मात्रा, सु ऊपर चंद्रबिंदु, सु ड, सूण. फ, फ में आ की मात्रा, फा ऊपर चंद्रबिंदु, फा द, फान, फान. जैसा कि मैं आपको फान के बाद अब मैं आपको बताने वाली हूँ
का चांद, ये आसमान है, उसमें क्या हो रहा है, चांद चमक रहा है। नीचे थी खरगोश की मान, ये आप लोग खरगोश देख सकते हैं, वो मान के अंदर है, ठीक है। मान मीन्स होता है जिसमें खरगोश रहता है वो, तो खरगोश नीचे थी खरगोश की मान, यहाँ नीचे खरगोश की मान। पास ही लेट रहा था सांप, सांप भी वहीं पे लेटा हुआ था, बैठा हुआ था। पास ही लेट रहा था सांप, बच्चे रहे थे कूद फांद, बच्चे भी अपना, मौसम अच्छा था तो बच्चे भी अपना कूद फांद कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो ये पोयम मैं आप लोगों को बता दी, और ये जो आप लोग को चंद्रबिंदु वाला वर्ड है उसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिपीट करिएगा, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ना सीख जाएं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।